और इसी बड़ी खबर पर बात करने के लिए, खास तौर पर जो प्रधानमंत्री ने अभी वीडियो संदेश दिया है, हम जानेंगे और बहुत कुछ। इंदौर से जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता आदित्य श्रीवास्तव। आदित्य, जिस तरह से कार्यबल की क्षमता का जिक्र प्रधानमंत्री ने किया और ये भी कहा कि विश्व को इस क्षमता से परिचय कराने का जो मादा है वो भारत में है, ये बहुत अहम है, क्योंकि वर्कफोर्स को कैसे हम वैश्विक पटल पर पहचान दिला सकते हैं, भारत के लिए वो एक अग्रणी दूत बन सकता है उसकी आर्थिक प्रगति में, उस लिहाज से ये वक्तव्य बेहद अहम। आंचल, आज प्रधानमंत्री के इस भाषण से दुनिया ये भी जानेगी, जान रही होगी कि भारत ऐसे ही वसुधैव कुटुंबकम की बात नहीं करता है। भारत ऐसे ही वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर के स्प्रिट के साथ G20 की अध्यक्षता नहीं कर रहा है, क्योंकि आज प्रधानमंत्री ने जो कहा वो सिर्फ भारत के लिहाज से नहीं बल्कि दुनिया भर के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। भारत की अपने सामर्थ्य को किस तरीके से दुनिया के विकास में योगदान दे सकता है, इसकी अपील भी प्रधानमंत्री ने की है। और जो आज नहीं बल्कि वर्तमान नहीं बल्कि भविष्य की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, भविष्य में किस तरीके का आपको स्किल्स चाहिए, मैनफोर्स चाहिए, उसको लेकर भी एड्रेस आज प्रधानमंत्री ने किया है। और यही कहा है कि दुनिया आने वाले समय में बहुत बदल रही है, चाहे वो तकनीक के साथ हो, नेचर के साथ हो, क्लाइमेट के साथ हो, उस पर अब कॉन्क्रीट डिसीजंस होना बहुत जरूरी है। और उन्हें उम्मीद जताई है कि आज इस मंत्रिस्तरीय बैठक के बाद जो डिक्लेरेशन सामने आएगा उसमें वो कॉन्क्रीट चीजें होंगी। और एक और महत्वपूर्ण बात जो भारत ने कही, जो प्रधानमंत्री ने कही आज इस संबोधन में, वो ये कि ई श्रम पोर्टल का डेटा दिया, 289 मिलियन लोग जो है, वर्कर्स जो हैं वो इस पोर्टल से जुड़े हैं। उन्होंने बताया कि एक साल के अंदर किस तरीके से इस पोर्टल ने एक क्रांति लाई है और भारत किस तरीके से तैयार है दुनिया भर में एक बड़ा वर्कफोर्स देने के लिए, कितनी सामर्थ्य रखता है। आज ये बात भी तमाम G20 देशों से जो 30 के करीब मंत्री रोजगार और श्रम मंत्री यहां पहुंचे हैं, 165 डेलीगेट्स इसमें शामिल हो रहे हैं, उनको बताने की कोशिश की है। आंचल, यहां हमें ये जरूर जानना होगा कि भारत इन तमाम विषयों पर, चाहे वो कौशल अंतराल की बात हो, गिग प्लेटफॉर्म इकोनॉमी की बात हो, इन तमाम विषयों पर बहुत लंबे समय से काम कर रहा है। स्किल मैन पावर तैयार करने को लेकर भी प्रधानमंत्री ने आज अपने भाषण में बात रखी। और हमें याद होना चाहिए कि स्किल इंडिया जैसे अभियान भी हमारे देश में चल रहे हैं, तमाम स्किल हमारे एम्प्लॉयज को, हमारे वर्कर्स को स्किल्ड करने के लिए भारत बहुत समय से काम कर रहा है और बहुत ग्राउंड लेवल पर जाकर काम कर रहा है। तो यहां ये बात प्रधानमंत्री ने यह भी कही कि अगर इस तकनीक को, अगर ई श्रम पोर्टल जैसे प्रयासों को, इन जैसे नवाचारों को कोई और देश, चाहे वो विकसित देश हो चाहे वो विकासशील देश हो, अगर उसको अपनाना भी चाहता है तो भारत उनके साथ साझा करने को भी तैयार है। क्योंकि भारत जब वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है तो वो पूरी दुनिया को एक मानता है और दुनिया के हर एक वर्कर्स, ना सिर्फ भारत का के एम्प्लॉयमेंट क्षेत्र की बात करें बल्कि दुनिया भर के एम्प्लॉयमेंट क्षेत्र की अगर देखें, तो उसको ग्रो करने में अगर भारत अपनी भूमिका निभा सकता है तो उसके लिए भी वो तैयार है। पोर्टल का जिक्र कर रहे हैं, जिस तरह से इसमें जो नंबर्स हैं उसमें इजाफा हुआ है, ये इस बात की तस्दीक करता है कि कई बार जिसको हम एक अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर मानते थे, अब वो ऑर्गेनाइज तरीके से आकर अपना योगदान दे रहा है, जब हम सकल घरेलू उत्पाद के नंबर्स का भी जिक्र करते हैं। देखिए, भारत $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी की तरफ आगे बढ़ रहा है और भारत ये बहुत अच्छे से जानता है कि हर क्षेत्र को एड्रेस किए बिना ये संभव नहीं है। कोई भी क्षेत्र हो, चाहे वो संगठित क्षेत्र हो चाहे असंगठित क्षेत्र हो, और चाहे वो एग्रीकल्चर हो चाहे एजुकेशन हो, तमाम क्षेत्र को एड्रेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसकी वजह से ही हम $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी तक पहुंचेंगे। आज हम टॉप 5 में हैं, आने वाले समय में हम टॉप 3 की संकल्पना कर रहे हैं और उस टारगेट को अचीव करने पर काम कर रहे हैं। लिहाजा ई श्रम पोर्टल एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान का जो फिगर प्रधानमंत्री ने दिया कि 289 मिलियन लोग जो हैं वो इससे जुड़ चुके हैं और उनको एक मुख्य धारा में लाने की कोशिश की गई है। ये तमाम वो प्रयास थे। याद करिए, कौशल विकास को लेकर अगर बात करें, तमाम कौशल केंद्र जो है वो भारत में खुले हैं। स्किल इंडिया अभियान के तहत हर साल बजट में उसको पैसा उसमें बढ़ाया जाता है, जमीनी स्तर तक उसको ले जाने के प्रयास किए जाते हैं। तो आंचल, ये वो प्रयास हैं भारत के, जो रीस्किलिंग अपस्किलिंग की जो बात भी हो रही है और तमाम अलग अलग वर्किंग ग्रुप्स में जिस तरीके से काम चल रहा है ना, उस तमाम अलग अलग वर्किंग ग्रुप्स में भी इन विषयों को एड्रेस किया जा रहा है। और आंचल, आपको साल 2014 पे लेकर जाना चाहूंगा मैं, प्रधानमंत्री की उस चीज को आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से एक दूरदर्शिता प्रधानमंत्री की होती, जिस हॉल में अभी ये मीटिंग चल रही है, यहां पर साल 2014 में प्रधानमंत्री मौजूद थे जब ग्लोबल इन्वेस्टर समिट चल रही थी, तब प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि हमारे देश में ड्राइवर्स बहुत हैं लेकिन अगर वो स्किल्ड होंगे तो वो दुनिया के अलग अलग कोनों में काम कर पाएंगे। याद करिए, 2014
2014 का वो भाषण और आज उसी विषय पर स्किल गैप पर जो है आज बात यहां पर चल रही है। दूरदर्शिता देखिए प्रधानमंत्री की और दूरदर्शिता देखिए भारत की कि किस तरीके से पिछले कई सालों पहले से ही इस पर काम शुरू हो चुका था और आज दुनिया को भी यह बताया जा रहा है भारत की प्रेसिडेंसी में कि ये गंभीर विषय है, इन पर मंथन की आवश्यकता। और उम्मीद है आंचल कि इस बैठक के बाद जो डिक्लेरेशन आएंगे सामने वो एक नए दौर की शुरुआत करेंगे, क्योंकि इंदौर तो प्रधानमंत्री कहते भी हैं एक शहर नहीं एक दौर है, तो हो सकता है रोजगार और कौशल के क्षेत्र में भी एक नया दौर देखने को मिलेगा उन डिक्लेरेशन के बाद। रीस्किलिंग अपस्किलिंग की बात कर रहे हैं यहाँ पर आदित्य, तो यहाँ पर किस तरह से जो कॉमन सर्विस सेंटर्स हैं या फिर हम ये कहें कि जो प्रशिक्षण केंद्र जो युवाओं को प्रशिक्षण देते हैं उनका रोल बहुत अहम हो जाता है, किस तरह से इसका दायरा बढ़ाया जाएगा, खासतौर पर टीयर वन टीयर टू सिटीज में जहाँ पर हम मानते हैं कि पलायन एक बहुत बड़ा मुद्दा है। बिल्कुल, इस मुद्दे को भी एड्रेस लंबे समय से किया जा रहा है आंचल, क्योंकि हमें ये देखना होगा कि हमारा एक बहुत बड़ा वर्कफोर्स है जिसको समय के साथ ट्रेनिंग्स की आवश्यकता है और उस पर अलग अलग समय समय पर देखें तो बहुत माइक्रो लेवल पर जाकर काम हो रहा है और हर क्षेत्र में जाकर उसको गंभीरता से लिया जाए। तमाम CSC सेंटर्स जो हैं वो हमारे यहाँ चल रहे हैं और तमाम कौशल विकास केंद्र भारत में बहुत जमीनी स्तर पर अब काम कर रहे हैं, ऐसी जगहों पर काम कर रहे हैं रिमोट एरियाज में जहां उम्मीद नहीं की जा रही थी, बहुत टेक्निकल एक वर्कफोर्स जो है वो भारत तैयार कर रहा है। और ये बड़े शहरों में ही नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि टीयर वन टीयर टू के अलावा जो आप नीचे आएंगे बहुत ग्रामीण स्तर पर भी हम मध्य प्रदेश में देख रहे हैं बहुत बेहतर तरीके से इस ओर काम हो रहा है। ये वही मध्य प्रदेश का इंदौर शहर है, आर्थिक राजधानी है, जहां स्टार्टअप्स के क्षेत्र में भारत ने बहुत अच्छा काम किया है, इंदौर ने बहुत अच्छा काम किया है। 800 से ज्यादा स्टार्टअप्स तो ऐसे हैं जो इंदौर में ही अपना एक बड़ा रोल अदा कर रहे हैं और दुनिया भर में एक नई पहचान बना रहे हैं। तो ये इंदौर इनोवेशंस के लिए स्टार्टअप्स के लिए आइडियाज के लिए तो जाना जाता ही है, लेकिन जिस तरीके से भारत के अलग अलग कोनों में हमारी कौशल क्षमताओं को बढ़ाने के लिए कौशल विकास केंद्रों में काम चल रहा है आंचल, ये भी एक बहुत बड़ा एड ऑन का काम कर रहा है हमारे इस मिशन को लेकर। अगर देखें तो नजर बनाए रखिएगा, हम जानते हैं कि आज अंतिम और तीसरा दिन है और ख़ास तौर पर जिन जायकों का आप जिक्र कर रहे थे तो उम्मीद करते हैं इनकी सुगंध हम तक भी पहुंचेगी जब शाम को वो तैयार होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए।